हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है और लीब्रा कैल्क में सीखेंगे क्या, ये आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लीब्रा ऑफिस राइट कैल्क को ओपन कर लेता हूँ। लीब्रा ऑफिस कैल्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कैल्क स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे आप लीब्रा ऑफिस कैल्क पे आ जाएंगे। दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला कौन सा है देखिए, पहला फॉर्मूला है नाउ का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ नाउ का फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। पहले इसको मर्ज करा लेता हूँ और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं नाउ का फॉर्मूला, तो यहाँ लिख देता हूँ नाउ। तो ये लिख दिया हमने नाउ। अब इसी नाउ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसको एक अलग कलर से कलर कर देता हूँ, और दूसरा फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम उसका नाम है टूडे। तो आइए पहले नाउ का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इज इक्वल टू नाउ लिखा मैंने कुछ इस तरीके से, और यहां पर लिखने के बाद इस ब्रैकेट को ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर एंटर प्रेस किया। यहां पर देख सकते हैं ये हैश लिखा हुआ आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि कॉलम छोटा पड़ गया, इसको यहां से बड़ा कर लीजिए। तो नाउ का फॉर्मूला यूज करते ही आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर करेंट डेट और टाइम दोनों आ चुका है, ठीक है। तो क्या टूडे के फॉर्मूले में नहीं आएगा, आइए देखते हैं। टूडे का फॉर्मूला थोड़ा इससे डिफरेंट है, यहां पे लगाया मैंने टूडे और अब एंटर प्रेस किया तो यहां केवल करंट डेट शो करेगा, और नाउ यूज करेंगे तो करंट डेट और टाइम दोनों शो करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो जाएगा इससे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।